नमस्कार, मी मनोज पोत्राजी, माझ्या चंद्रपूर बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. बघूया आजच्या विशेष घडामोडी. चंद्रपुर शहर की प्रसिद्ध स्कूल नारायणा विद्यालय में आज दिनांक 20 अगस्त को अभिभावकों ने स्कूल परिसर में एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल संचालकों के विरुद्ध आंदोलन किया. पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभिभावकों ने बताया कि फीस नहीं दिए जाने पर स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन द्वारा ली जा रही कक्षाएं बंद कर दी, जिससे बच्चों की मानसिकता पर गहरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर बच्चों की परीक्षाएं समीप होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है तथा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को परीक्षा में फेल होने का डर सता रहा है, जिससे बच्चे तथा अभिभावक दोनों ही मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं. कहीं उनके बच्चे कुछ गलत कदम न उठा ले, ये इसलिए अभिभावक बहुत चिंतित है तथा ऑनलाइन कक्षाएं बंद करके बच्चों तथा अभिभावकों के साथ स्कूल संचालक अन्याय कर रहा है और उनका ये कदम एवं निर्णय अन्यायपूर्व है. अभिभावकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल होने के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी है, कुछ लोगों का वेतन समय पर नहीं हो रहा, काम धंधे ठप हो चुके हैं, ऐसे में फीस जमा करना उनके लिए भारी पड़ रहा है. वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, ऐसे में फीस का मतलब ही नहीं उठता है. ऑनलाइन कक्षाओं का सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है. ऑनलाइन पढ़ाई हेतु बच्चों को महंगे मोबाइल खरीद कर देने पड़ रहे हैं तथा इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना काल में उन्हें भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अभिभावकों ने हमेशा स्कूल संचालकों का साथ दिया है. इस मुश्किल दौर में स्कूल संचालकों ने अभिभावकों की समस्याओं को समझते हुए उनका साथ देना चाहिए तथा 50% फीस माफ करनी चाहिए तथा ऑनलाइन कक्षाएं तत्काल शुरू करनी चाहिए और ऐसा करते हुए स्कूल संचालकों ने देश के सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिए. ऐसा अभिभावकों ने अपनी बात रखते हुए नारायण विद्यालय स्कूल के संचालकों के आगे अपनी मांग रखते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की. ऑनलाइन एजुकेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमारे बच्चे मोबाइल के यहाँ लगे रहते हैं. हम सभी पेरेंट्स उसी में टाइम देते हैं, इसके वजह से हम ऑनलाइन को इतना सीरियसली ले रहे हैं. लेकिन हमारा जो स्कूल है, प्रशासन हमें जो दे रहा है, बोलता है कि फीस भरो फीस भरो, फीस पे ज्यादा जोर दे रहा है. बट एजुकेशन इम्पोर्टेंट या फीस इम्पोर्टेंट है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. इसलिए हम यहाँ पे सब पेरेंट्स आके इस बात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना फीस के लिए मांग कर रहे हैं. हमें किसी भी हालत में यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना स्कूल शुरू है, ना स्पोर्ट है, सिंगिंग है, ना कुछ मिल रहा है, फिर भी ये लोग हमसे फीस बोल रहे फीस के बारे में. हमें यही कर रहे प्रशासन से कि हमें अपना फीस कम कर दीजिए, 50% चाहिए हमें. स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है. कितने लोगों का प्राइवेट है, वो आज तक कुछ नहीं दे पाएंगे इतना फीस स्कूल के लिए. यहाँ पे गवर्नमेंट वाले के आपत आए तो प्राइवेट वाले जो छोटे मोटे जो व्यवसाय करते हैं उनका क्या है. नारायण जैसे स्कूल में पढ़ा ले, इसका मतलब कि यहाँ पे फीस क्या है सभी को पता है. बट आज की स्थिति में इतना फीस पे करने की कोई किसी की भी आफत नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल. इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि फीस आप कम कर दीजिए, 50% तो भी कम कर दीजिए. ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने की वजह से आज यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है. बच्चों को एक तो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी और बीच में जब एग्जाम का डेट आ गया, 24 से एग्जाम स्टार्ट है और बीच में ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिए. बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं, हमारे इधर से लिंक शेयर कर रहे, उधर से लिंक शेयर कर रही है. इनको नहीं करना चाहिए था. ये बच्चों के प्रति एक खिलवाड़ है, उनके भविष्य के प्रति एक खिलवाड़ है. इनको पढ़ाई में पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, इनको एजुकेशन फुल देना चाहिए. हमारा मैटर फीस का है. फीस हम जिस तरह से आप हमको एजुकेशन दे रहे हैं, हम उस तरह से भरने के लिए तैयार हैं. आप आधी एजुकेशन दे रहे हैं, हम आधी फी भरेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे या स्कूल नहीं आ रहे. कोई किसी तरह का उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, किस तरह का कोई लैब चार्ज नहीं है, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है. कंप्यूटर की चार्ज ले रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए. वैसे भी देखिए, जो शासनाच्या शिक्षण मंत्र्याचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा नारायणा विद्यालयांचे जे मॅनेजमेंट आणि प्रिन्सिपल आहेत यांनी आमच्या मुलांचं ऑनलाईन इंटॅप जे आहे, ज्या ज्याच्यावरती आमच्या मुलांचं एज्युकेशन सुरू आहे, ते अक्षरशः त्यांनी बंद करून टाकलेलं आहे. आणि ते बंद केल्यामुळे आमचे जे मुलं आहेत आणि त्यांचे जे पालक आहेत, आम्ही सुद्धा डिप्रेशनमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहोत. कारण मुलांचा आमच्यावरती अक्षरशः ते म्हणत आहेत की आम्ही काय करायला पाहिजे आता आणि कशा पद्धतीचं आम्ही एज्युकेशन घ्यायला पाहिजे. त्याकरता आमच्या मॅनेज आता आज जे एवढे मुलं एवढे आमचे पालक जमा झालेले आहेत तिथे, त्या पालकांचं त्यांनी मुलांचा विचार करून या मॅनेजमेंटने
लवकरात लवकर इंटेप सुरू करायला पाहिजे आणि मुलांचं शिक्षण सुरू करायला पाहिजे। जब मैंने उनको पूछा तो आपने तो दुकाने में पढ़ा नहीं कुछ नहीं, तो आपने वो पैसे कैसे लिए? उन्होंने मेरे को चेक वापस कर दिया और स्लिप रख जो रिसिप्ट इनको दी गई थी फीस की वो वापस ले गई इनसे बलजबरी से, उनको चेक रिटर्न किया गया जबकि इनकी फीस अभी इनकी फीस का फोटो भी हमारे पास, फीस उन्होंने रिसिप्ट वापस ले लिया उसका फोटो है। नारायण विद्या के पेरेंट्स है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फीस नहीं भरने के कारण स्कूल ने सभी बच्चों का, जिन लोगों ने फीस नहीं भरे थे उनका ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया और हमारे बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया और 24 तारीख से स्कूल वालों ने एग्जाम रख दिया और एग्जाम के सामने जिन जिन बच्चों ने फीस नहीं भरे उनका ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने के कारण अब बच्चे एग्जाम में बैठ नहीं पा रहे, बच्चे पैनिक हो रहे हैं और बच्चे इतने अवसाद में गए हैं कि पापा हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो हमारा क्या होगा। फीस नहीं भरना ऐसा किसी पेरेंट्स का कहना नहीं है, जितने भी पेरेंट्स हैं सभी फीस भरने को तैयार है, लेकिन पेरेंट्स का ही कहना है कि जब पढ़ाई आधी अधूरी हो चुकी है तो आप ट्यूशन फी भी आधी अधूरी लीजिए, इसके अलावा जो बाकी फीस है ये कोई पेरेंट्स देना नहीं चाहते क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग आर्थिक संकट से त्रस्त है। सभी की यही डिमांड है कि जब तक फीस के बारे में मैनेजमेंट के साथ सकारात्मक चर्चा नहीं होती है तब तक किसी का भी ऑनलाइन एजुकेशन बंद ना किया जाए, सभी बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू कीजिए और उन्हें शिक्षा दीजिए क्योंकि हम लोग पेरेंट्स पिछले 10-15 सालों से स्कूल से जुड़े हुए हैं, 9th-10th के बच्चों के एग्जाम शुरू भी है और स्कूल वालों ने उनका ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया तो बच्चों का नुकसान हो रहा है और बच्चे अवसाद में जा रहे हैं और इसी कारण से अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो जवाबदारी किसकी होगी, पालक की होगी, प्रशासन की होगी या स्कूल प्रशासन की होगी, इसकी जवाबदारी कौन लेना चाहेगा। धन्यवाद। अशाच काही विशेष घडामोडी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चंद्रपूरला सबस्क्राईब करा, भेटूया पुढील बातमीपत्रात, धन्यवाद।